सो ही गाइस मैं पीयूष एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आपके घर में ये चीज तो होगी 100%। अगर आपके घर में ये चीज नहीं है तो आपका घर घर नहीं है। आजकल टीवी हर किसी के घर में होता है, बट आपको पता है इस पे सबसे पहला चैनल किसका आया था? और क्या आपको पता है अभी तक का सबसे ज्यादा देखने वाला प्रोग्राम टीवी पर कौन सा है? सो ये सब जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग एंड अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट टेलीविजन के बारे में। तो वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना, और वीडियो से कुछ भी जानने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो से कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। सो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर वन, तो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सक्सेसफुल बन गया था 7 सितंबर 1927 को, और इस सिस्टम को डिजाइन किया गया था फिलो टाइलर फैंसवर्थ के द्वारा, और ये सैन फ्रांसिस्को के थे, और वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीविजन कुछ ऐसा देखने को मिलता था। फैक्ट नंबर टू, तो टीवी पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। 1948 तक 1 मिलियन अमेरिकन फैमिली के घर में टेलीविजन पहुंच चुका था। फैक्ट नंबर थ्री, अगर आपके जन्म के टाइम पे टीवी था, तो अगर आप आज के टाइम पे 65 साल के हो जाते हो तो आप पूरे लाइफ टाइम में पूरे 2 मिलियन एड्स देख चुके होंगे, कमर्शियल एड्स, जो सुनने में भाई साहब बहुत तगड़ा लगता है। आपने आज तक गिने एड्स, कितने मिलियन एड्स आप देख चुके हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। फैक्ट नंबर फोर, जब टीवी बनना शुरू हो गए और बिकना भी शुरू हो गए, तब अमेरिकन फैमिली एवरेजली 8 घंटा देती थी टीवी देखने में। भाई साहब अभी के टाइम में अगर हम 8 घंटा टीवी देख लेना, हमारा फोन रोने लग जाता है कि भैया हमें भी यूज कर लो, क्या आप भी 8 घंटे देखते हो, बताना मेरे को जरूर। फैक्ट नंबर 5, तो सुपर बाउल XLIX अभी तक का सबसे ज्यादा देखने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इसको 114.4 मिलियन लोगों ने देखा है। ये जो सुनने में नंबर है ना, बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि ये प्रोग्राम जब रिलीज हुआ था, जब टीवी नया नया ही आया था। फैक्ट नंबर 6, तो पहले कोई इनबिल्ट सिस्टम नहीं आता था कि हम अपने टीवी में रिकॉर्ड बटन दबा के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर ले, इसलिए पहले आते थे VCR सिस्टम, इससे हम अपने प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर सकते थे, और ये सबसे सस्ता रास्ता था। तो इसको बनाने वाली कंपनी थी सोनी, और ये सिस्टम आया था 1970 में। तो आपने भी कभी VCR सिस्टम देखा हो मेरे को कमेंट करके बता देना। फैक्ट नंबर 7, तो पहले टीवी में एक स्टेशन्स आते थे, पहले चैनल्स नहीं आते थे रेडियो स्टेशन्स की तरह, तो सबसे पहले आया था अमेरिकन टीवी स्टेशन, जो 1928 में रिलीज हुआ था, और फिर उसके बाद BBC ट्रांसमिशन आया 1930 में। कमाल है भाई, पहले स्टेशन आते थे, अब चैनल्स आते हैं, आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। सो आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके बता देना, और ऐसे वीडियो से कनेक्टेड रहना तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की वीडियो में कौन सा अनयूनिक या फिर यूनिक फैक्ट लगा आपको कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए स्टे सेफ।